मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि फर्स्ट स्टेप में ही आपको इतने माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिलेंगे ना कि आप अपने हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएंगे। सिर्फ टू स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और पहले चल के देखें कि इसको बनाना कैसे है। ये आप मेरे हाथ देख रहे हो कितने ज़्यादा सॉफ्ट, क्लीन, शाइनी और फेयर हुए हुए हैं। मैंने सिर्फ 3 से 4 दफ़ा ये ट्रीटमेंट जो है ना वो यूज़ किया है। पहले आप लोगों ने लेना है 1 टीस्पून बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर। इसके अंदर आपने ऐड करना है रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। कच्चा दूध, कच्चा दूध और कच्चा दूध ही डालना है आपके इसके अंदर। ये देखें इस तरह से ना पतला सा आपने इसका पेस्ट बना, फिर इसका अच्छे से मसाज करना है आपने 5 मिनट तक अपने हाथों पैरों पे। ये आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी गंदगी, मैल कुचैल है, जितनी भी डेड स्किन है ना, ये उसको लेयर, उस लेयर को ये रिमूव करेगा। जितनी भी स्किन के ऊपर डेड लेयर है ये जो है बेसन और कच्चा दूध, ये उसको करेगा बहुत ही अच्छे से रिमूव। ठीक है, यानी कि आपकी क्लींजिंग भी हो रही है और एक्सफोलिएशन भी हो रही है। ठीक है, स्क्रबिंग होगी, क्लींजिंग होगी, अब बनाते हैं पैक। स्टेप नंबर 2 के लिए आपने सबसे पहले लेना है रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध, और इसके अंदर ये जो ऑरेंज दाल होती है ना, आई थिंक ये मसूर की दाल है, ठीक है, ये वाली दाल आपने इसके अंदर ऐड करनी। ये देख लें, ये ऑरेंज दाल है। फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है चावल का आटा। हनी यानी कि शहद इसके अंदर हर सूरत जाएगा, और अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो इसके अंदर जाएगा कोकोनट ऑयल, अदरवाइज फिर आप जो मर्जी ऑयल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर हमें लेमन भी डालना है। ये ले जी, 20 से 25 मिनट तक ना आपने इसको सिर्फ अप्लाई करके रखना है। इसको आपने अपनी स्किन के ऊपर रगड़ना नहीं है, मसाज नहीं करना, स्किन आपकी छिल जाएगी इससे, क्योंकि एक्सफोलिएशन आपने कर ली, क्लींजिंग आपने फर्स्ट स्टेप में कर ली थी। ठीक, अब आप इसको एक दफा बना के रख लो और ईद तक ना आप इस स्टेप को डेली फॉलो करो। 25 मिनट रखने के बाद ना आपने इसको प्लेन वाटर के साथ वॉश करना है, साबुन का यूज नहीं करना। मैं ये हरगिज नहीं कह रही कि हाथ आपके गोरे, चिट्टे, मक्खन, मलाई की तरह हो जाएंगे, बट बहुत ज्यादा सॉफ्ट और अट्रैक्टिव हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्शन भी इनका जो है ना वो फेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, और यहाँ पे इस टाइम पे मैंने किसी किस्म का कोई फेस फिल्टर जो है ना वो यूज नहीं किया हुआ। टिकटॉक के ऐप में ही मैं वीडियो जो है वो अपनी बना रही हूँ, और इस टाइम पे मेरा ख्याल है कि मेरे हाथों का कम्प्लेक्शन जो है ना वो मेरे फेस से ज्यादा ब्राइट लग रहा है। ठीक है, तो इसको आपने ईद तक डेली 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 यूज़ करो और अमेजिंग रिजल्ट्स हासिल करो। आज ही बनाओ, आज ही लगाओ और आज ही अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करो। होप दिस हेल्प।